नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा बनने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल का विस्तार यूपी के साथ हरियाणा और राजस्थान में भी होने जा रहा है। पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने सत्ता की ताकत से पार्टी का विस्तार जाट बहुल्य राज्यों में करने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाने की तैयारी करने को कहा गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो अगले महीने पार्टी की मजबूती पर काम शुरू कर दिया जाएगा। 2009 से 2014 तक चली यूपीए सरकार का हिस्सा रहे रालोद के दुर्दिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद शुरू हुए 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चौधरी जयंत सिंह चुनाव हार गए थे। बाकी सीटों पर खड़े प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल छपरौली से ही विधायक बना पाई थी और विधायक सहेंद्र रामाला भी बाद में पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ चले गए। साल 2019 का लोकसभा चुनाव पार्टी ने बसपा और सपा गठबंधन के साथ लड़ा, लेकिन इस चुनाव में भी चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से और जयंत चौधरी बागपत से चुनाव हार गए। वर्षों से चला आ रहा पार्टी का सियासी सूखा किसान आंदोलन के बाद खत्म हुआ। किसान आंदोलन का ही असर रहा कि पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीती और बाद में खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी को हरा कर जीत हासिल कर विधायकों की संख्या 9 कर ली। पार्टी में अब तेजी से पड़ रही जान को देखते हुए भाजपा ने जयंत को अपने साथ लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण को भारत रत्न से नवाजा तो चौधरी जयंत सिंह इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आ गए। यूपी के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा संस्कृति का गहरा। भाजपा के साथ हुए गठबंधन के बाद यूपी में एक कैबिनेट मंत्री पद मिला तो एक एमएलसी की सीट भी मिली। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी 2 सीटों पर लड़ी और दोनों ही सीटों पर जीत मिली। सहयोगी दल होने के नाते चौधरी जयंत सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार के साथ शिक्षा राज्य मंत्री भी बनाया गया है। केंद्र और राज्य में बढ़ी ताकत का फायदा अब रालोद सुप्रीमो पार्टी का विस्तार कर उठाना चाहते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी को वेस्ट यूपी से बाहर निकलकर हरियाणा और राजस्थान में भी ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ पार्टी सुप्रीमो होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी आगे बढ़े और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि रालोद चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। किसान कमेरों और युवाओं के मुद्दों को लेकर हम यूपी के साथ हरियाणा दिल्ली राजस्थान भी जाएंगे। लाल किले इस खबर में कहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।